ओडिशा के पुरी जिले के सत्यवादी ब्लॉक के अलीसा गांव में सोमवार देर रात भीषण आग लगने से 15 परिवारों के 30 से अधिक घर जलकर खाक हो गए। इस दुर्घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ और एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। इस हादसे में 3 मवेशियों की भी मौत हो गई। घटना के दौरान लोगों के घरों में रखे सामान कुछ ही देर में आग की चपेट में आ गए, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग ने आसपास के अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों को जलता देख चीखने चिल्लाने लगे। इस स्थिति में बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं सहित सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। आग की लपटें उठते देख गांव वालों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। अग्निशमन सेवा कर्मियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। घर एक ऐसी पूंजी है जिसे लोग अपनी मेहनत की कमाई से बनाते हैं। आलिशा गांव के 15 परिवारों के लिए यह सपना चकनाचूर हो गया। उनके घरों के साथ साथ जीवन भर की जमा पूंजी भी जलकर राख हो गई। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और लोग सदमे में हैं। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा इस दुर्घटना की जाँच की जा रही है, लेकिन अभी तक आग लगने के असली कारण का पता नहीं चल पाया है। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अलीसा गांव की इस आपदा में स्थानीय समुदाय को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में जरूरत है कि समाज और प्रशासन इन प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आए। इनका पुनर्वास और मदद सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ये परिवार जल्द ही त्रासदी से उबर सके और फिर से अपने जीवन की शुरुआत कर सके।